हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमर्ग, द ब्यूटीफुल सोनमर्ग। अब क्या है कि हम रेडी हो चुके हैं, मेरे दोस्त लोग आगे निकल गए। मेरा ये एक्सटर्नल माइक का प्रॉब्लम हो गया था, इसका अडेप्टर काम करना थोड़ा ढीला हो गया था। पता नहीं क्या ही हो जाता है यार ऐसे ऐसे हमेशा। चलिए सामान वगैरह सब पैक कर दिया, अब चलते हैं। हर हर महादेव। ठीक है भाई, हर हर महादेव। तो भाई ये था अपना होटल सनशाइन, जो पहले भी हमने यहाँ पे बुक किया था लास्ट टाइम, और इस बार भी इन्होंने चेंज किया है कुछ अंदर से। मैंने दिखाई दिया था आपको ब्लॉग में, तो सही पड़ा हमें, मतलब ठीक था, अच्छा होटल था। ठीक है, और ये सोनमर्ग के शुरू में ही है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। वो देख रहे हो आप सामने कितना खूबसूरत व्यू है, पता है राइट हैंड साइड भाई साहब, बहुत खूबसूरत व्यू है, बेहतरीन वाला। अब हम निकलते हैं सीधा। कल हम रात को पुलिस स्टेशन से पता करके आए थे कि कितने बजे छोड़ेंगे सुबह, तो वो बोल रहे थे कि 5 बजे छोड़ देते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे 6:15 हो चुका है, क्योंकि इतना टाइम तो लग जाता है यार, सुबह 4 बजे कौन ही उठेगा। मतलब मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ कल रात को, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, ये होता है, वो होता है, हज़ार चीज़ें होती हैं यार इस यूट्यूब में। और व्यूज़ का ही है सीन यार, व्यूज़ आ जाना अच्छे तो दिल को फिर तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई मेहनत जो है ज़ाया नहीं गई, तो वो सीन है। बाकी ठंडा तो हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा, हमने सब ने लेयरिंग पहनी हुई है। मैंने तो अंदर थर्मल पहन लिया और एक वार्म शर्ट पहन ली, और उसके ऊपर अपनी जैकेट, और जैकेट का भी थर्मल मैंने लगा लिया। तो ऊपर तो इतना ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन पैरों में ठंडा लग रहा है। जनरली मैं पैरों में पहनता नहीं हूँ वो नीचे वाला थर्मल, तो ये सीन है भाई लोग। अब बस यही दुआ कर रहा हूँ कि ये जो मेरा अडेप्टर है ये काम करता रहे और आपको ऑडियो सही मिले। पीछे सोनमर्ग से जब मतलब सोनमर्ग के पास पहुँच रहे थे, तब इसकी ऑडियो फिर से ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ऑडियो पंगा कब आया इसका, जब मैंने इसको निकाल के अपने स्टिक में लगाया तब इसमें ऑडियो का पंगा आया। क्योंकि अडेप्टर अगर आप बार बार निकालोगे ऐसे डालोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है यार, वैसे मेड इन चाइना होती है सारी ये, ठीक है, तो कितना ही भरोसा करोगे। और ये महंगा भी आता है यार, तो सीन वही है, ठीक कितने ही रखोगे आप। ओह खूबसूरत सोनमर्ग, दरमियान। और सुबह जब मैंने अपना ये कैम माइक चेक किया था तब तो काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा होगा जहाँ तक उम्मीद है। और मैं क्या भयंकर की अभी आ जाता नीचे, और मैं नीचे होता। हाँ तो इतना पानी पानी हो रहा है कि अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। अरे यार विंडशील्ड मैंने साफ़ नहीं करी, मैं भूल गया फिर से, आगे कहीं रुकेंगे तो साफ़ करेंगे। अश्व, संस्कृत में बोलते हैं घोड़े को अश्व। हे अश्व जरा साइड हो जाए। कूल, वो जाने आई गेस हमारे राइडर वही है ना। हाँ वही, चल बढ़िया। हाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह सब रख दिया ना, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। ओह चीटे बढ़ गए। खैर अभी जोजिला में स्लश मिल सकता है, क्योंकि काम चल रहा है, पानी भी है ही और कीचड़ तो होगा ही, तो कोई बात नहीं, देखते हैं यार जो भी होगा देखे जाएगी। मेन बात यह है कि मेरा ऑडियो चलना चाहिए, बस रास्ते को तो हम झेल ही लेंगे, कर ही लेंगे, आए हैं तो कवर तो करेंगे। ठीक है, मेन आइटम क्या है कि ये एक्सटर्नल माइक ये चलना चाहिए भाई। हाँ आप लोग भी दुआ करो भाई। ओ भाई साहब क्या गड्ढे हो रहे हैं। ये रोड तो खैर तभी बनेगी जब पूरा सिस्टम सही हो जाएगा यहाँ पे, अपना टनल वनल का, तब बनेगी ये रोड। ये रहा पूरा अपना जत्था, राइट टू ब्लॉक के साथी। इन सब की इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगा, जैसे जैसे व्लॉग्स आते रहेंगे मैं वो इंस्टाग्राम आईडी हर व्लॉग में मेंशन करता रहूंगा, राइट। तो बाकी मर्जी तो आपके भाई लोग, राइट।
कौन कौन मेरे साथ गया था आप देख लेना। बेनाम रिश्ता जो बेचैन करता वो हो न सके जो बयां दरमियां। यार वैसे तो मेरे पास ना एक्स्ट्रा माइक भी है पर वो ब्लूटूथ माइक है, उसके लिए क्या होगा कि रिकॉर्डिंग मेरे को अलग से करनी पड़ेगी ऑडियो की, उसमें मतलब एक मेहनत और ऐड हो जाएगी। वैसे ही डबल मेहनत होती है एडिटिंग में, पहले इंस्टा 360 में करो फिर फ्लैट करो, अगर मैं ऑडियो भी अलग से कैप्चर करूँगा तो समझो एक और स्टेप ऐड हो जाएगा और वही सीन है। ये है जी वो चेक पोस्ट, यहाँ से छोड़ते हैं लोगों को, सुबह 5 बजे की बात हुई थी। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओवरटेकिंग इलीगल है? ठीक है, हाँ ओवरटेकिंग इलीगल है यहाँ पे। सीधी लाइन में चलना, ओवरटेकिंग इलीगल है भाई लोग, तो यानी कि भगा नहीं सकते, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। कूल, तो सबसे आगे मैं ही चलता हूँ क्योंकि पीछे पीछे चलना मुझे सही नहीं लगता। नज़ारे बड़े खूबसूरत है, वो देखो वादियाँ, ओहो बर्फ जमती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा ये, मतलब एकदम वाह मज़ेदार सीन। हाँ मेरे हाथ जम रहे हैं, ठंडा हो रहा है तो हाथ जम रहा है। और ये जोजिला टनल का काम चल रहा है जो सीधा जोजिला पे निकलेगी, जैसे कैसे बताऊँ आपको। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब कीचड़ ही कीचड़ मिलने वाला है पूरे रास्ते, और ले होना मुश्किल है क्योंकि रोड ख़राब है। हाँ रोड जहाँ पे सही होगी वो होगी जोजिला के पास बाद, जोजिला ही है यार मेन। इस अगर आप श्रीनगर टू ले जा रहे हो ना तो आपका मेन पॉइंट जोजिला ही है, मेन हाई पास, बाकी तो मक्खन रोड है यार। क्योंकि जोजिला में एक तो काम चल रहा है ना, और यहाँ पे गीला गीला बहुत ज़्यादा हो रहा है यार ये, जो कि बारिश बारिश हुई नहीं तब भी गीला देखो कितना ज़्यादा है, लगता है धूप वूप आती नहीं इस तरफ, या पानी कंटिन्यू आता रहता है ऊपर से। ओए होए होए होए, मन नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। वादियाँ देखो ना यार, ये लोकेशन देख रहे हो आप, स्विट्जरलैंड, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन यार, इसलिए कैमरा बंद करने का मन नहीं करता यार। ये रिवर कौन सी है, कावेरी? कावेरी तो करगिल में देखी मैंने शायद, कावेरी या इंडस, पता नहीं यार, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे ही। एक नदी वो है जो पाकिस्तान जाती है या पाकिस्तान से आती है, ऐसा कुछ है, पाकिस्तान से आती है आई गेस एक नदी। हाँ आप चेक दिस व्यू, लास्ट टाइम मैं और अभिषेक आए थे हम यहाँ पे रुके थे, मैंने यहाँ पे हम रुके थे, थोड़ा फोटो वोटो खिंचाई थी, तब तो हमारे पास टाइम बहुत था क्योंकि हमें करगिल तक ही जाना था। यहाँ पे रुके थे मस्त, हम यहाँ से फोटोशूट किया था हमने, जी हाँ यही था वो मार्क और ये थी वो लोकेशन। ओए होए होए होए, खूबसूरत थी भाई, बेहतरीन। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी, अब तो चढ़ाई चढ़ाई है भाई जोजिला तक, और यहाँ पे मुझे दिखा था टुपाटी पैनी वाले ऐसे कुछ नाम है ना दुकान, नहीं मल्टी स्टाडा, सॉरी मल्टी स्टाडा भाई, क्या बाइक है यार वो मल्टी स्टाडा, क्या गोली भागती है भाई चढ़ाई में, इतनी पावरफुल बाइक है, मतलब जूम 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 जूम, उसके लिए जोजिला कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं। हम तो सारा दूसरे तीसरे गियर में स्ट्रगल कर रहे थे, वो जूम जा जी जूम निकल गया, और वो भी लाइक 40+ एज के अंकल थे, तो भाई साहब क्या निकला बंदा, खड़ा हुआ बाइक में और सुर सुर सुर,
मुझे हवा भी नहीं आने दी भाई को, भाई साहब सही है यार। अब देखो इस बात में ना एक चीज याद आई, लोग बोलते हैं कि लद्दाख कौन सी बाइक चली जाएगी, भाई बाइक तो सारी चली जाएंगी, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ले जानी कैसे है, आपको पहले गियर में चढ़ा चढ़ा के ले जानी है या मस्त अपना तीसरे चौथे गियर में पावर के साथ ले जानी है, वो डिपेंड करता है। बाइक तो ऐसे तो स्प्लेंडर भी चल जाएगी, मैंने होंडा नावी को चढ़ते हुए देखा है, एक्टिवा को चढ़ते हुए देखा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपका आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दूसरे गियर में पूरा एस्केलेटर दे के चलना है या अपना मक्खन एकदम पावर वाली गाड़ी लेके और जुर 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 करके चलना है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जितनी पावरफुल गाड़ी उतनी ज़्यादा अच्छी गाड़ी, सिंपल सिंपल मैथ है ना। आप और इसमें बाइक लेने में डिसीजन क्या आता है, जिस आपके बजट में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी हो, ठीक है, प्लस आपका राइडिंग पोस्चर वगैरह वो तो देख ही लो। इंजन के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इंजन को ज़्यादा वो भी जो भी है इम्पोर्टेंस देते हो, तो जो आपके बजट में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी हो टॉर्क वाइज भी और बी एच पी वाइज भी, क्योंकि टॉर्क भी बहुत काम आता है, ठीक है, और ये भी देखना है कि उसका टॉर्क कब डिलीवर होता है। लाइक कुछ कुछ गाड़ियाँ पावरफुल होती है लेकिन उनका टॉर्क होता है फिर 7000 RPM पे, 6000 RPM पे, समझो, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनका आपको मैक्सिमम टॉर्क 3000 RPM पे मिल जाता है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो वही देखना है दोस्त, अगर आपके बजट में जो सबसे पावरफुल गाड़ी है वो सबसे मज़ा आ जाएगा उसको चलाने में पहाड़ों में, तो ये सीन है। ठीक है भाई लोग, चलो आगे चलते हैं और ऊपर से शॉट लेंगे फिर, है ना। ये वादियाँ तो आप देख ही रहे हो, खूबसूरत है, लाजवाब है, कश्मीर है जी, कश्मीर, साडा कश्मीर, अपना कश्मीर, मेरू कश्मीर। ऑलराइट भाइयों, तो नीचे से मतलब इतना तो ऊपर चढ़ गया, अभी और ऊपर चढ़ना है दोस्त। ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फोटो क्लिक करी थी, मतलब यादें आती है ना, जैसे जैसे आप उस जगह पहुँचते हो तो आपकी वो यादें जो होती हैं वो आती रहती हैं नज़रों के सामने, तो वही आ रही है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ पर फोटो क्लिक वगैरह करी। तो भाई लोग ये देखो, ये भी बर्फ है, पूरा ग्लेशियर है, यहाँ से ऐसे नीचे को है ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर भी ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ का हिस्सा है ऊपर का, और ये तो पूरा वाटर क्रॉसिंग और गड्ढा भी है यार यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ये ग्लेशियर देखो कैसे पिघल रहा है, नीचे नीचे से क्या मस्त पानी आ रहा है, और बहुत साफ पानी होगा। कैसे निकलूँ वहाँ से, ऐसे निकलेंगे, ठीक है, ये लोग कहाँ रहेंगे, पीछे रहेंगे बहुत, पता नहीं, चलो निकलते हैं बिना जूते भिगाए, हरन महादेव चले। बस वाटर क्रॉसिंग बिना जूते भिगाए, हाँ कितना साफ पानी है ना ग्लेशियर का, मतलब एकदम वाह, देख के मजा आ गया। इधर एक ग्लेशियर यहाँ पे भी है, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.
I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say one. Hello guys, so we are at nearby Zuzila Pass. यहाँ पे थोड़ा चाय और मैगी वगैरह खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब साले ये भी कांप रहा है भाई, हाथ भी कांप रहा है, कैमरा भी कांप रहा है। और ठंडा इसलिए है क्योंकि वो देखो ग्लेशियर पूरा, इसलिए हाथ भी कांप रहा है मेरा तो। सो वरा ग्लेशियर वो खड़ी अपनी बाइक्स, वहाँ पे खा रही है मैगी। और ये देखो ठंडा क्यों है, मेरे हाथ क्यों कांप रहे इतने, ठंडा इसलिए है। ये देखो भाई साहब बर्फ ही बर्फ है, यहाँ से लेके वहां तक पूरी बर्फ, स्नो है ना, मस्त। ओ कूल, थोड़ा वाइड एंगल करते हैं। ये देखो जी, हाँ चलो भाई लोग चलो। तो भाई यहाँ पे हमने मैगी वगैरह खाई, 8-9 मैगी थी और 8-9 चाय, टोटल बिल आया 1300 रुपये, 1300 रुपये मैगी और चाय का, सही काफ़ी। और मैगी भी एक एक पैकेट, ज़्यादा मिली। और लोकेशन Zuzila Pass, मैंने तो डबल ग्लव्स पहन लिया, ठंडा लग रहा था, हाफ सुन हो गए थे। ये वही ग्लव्स जो मैंने स्पीकिंग में भी ट्राई करे थे, सही हो गया था मौसम एकदम, मतलब इसको ठंडा ही लगता है ग्लव्स में, ये अच्छी बात है, देसी जुगाड़। सो बेसिकली Zuzila Pass जो हेक्टिक रोड होनी चाहिए थी वो यहीं तक थी, क्या करना, मैं तो ऐसे ही फोटो ले लूंगा। ये है Zuzila Pass 11,650, अभी तो इससे ऊपर वाला पास भी आएगा, एक और पास आएगा जो श्रीनगर लेह का सबसे हाईएस्ट पास है, वो है पतुंगला पास, वो इससे भी ज़्यादा हाइट पर है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे। वहाँ तो रोड मक्खन है भाई, वो नामायूरू पता है उधर, वहाँ मक्खन रोड है, तो सही है। ड्राइव लाइक हेल एंड यू विल बी देयर, क्या डोप स्टेटमेंट थी भाई, ड्राइव लाइक हेल एंड यू विल बी देयर, कूल। अब वहाँ से देखो रोड सही हो जाएगी, बेहतरीन वाली रोड हो जाएगी वहाँ से। और लोकेशन देखो, उस टाइम पे ना ये बन रही थी जब मैं लास्ट टाइम आया था 2021 में, यहाँ पे पूरी बजरी की दी थी, बना रहे थे उस टाइम पे, और अब बना भी तो वाओ नाइस इम्प्रेसिव। एंड थैंक यू भाई लोग जिन्होंने भी रोड बनाई है, जिन जो भी ऑथराइज पर्सन थे और जो भी हमारे भाई मजदूर भाई हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया, बाइकर्स के लिए तो खासकर एकदम बेहतरीन रोड बनाई है। और एक बाकरे तो बहुत मिलेंगे यार रस्ते में ऐसे। हाँ लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, एक ऊपर वाली रोड भी कट रही थी अलग से, पता नहीं वो कहाँ के लिए बना रहे थे। हाँ अब मेरा चश्मा, मेरा जो पुराना वाला चश्मा था ना जो मैं ले गया था, वो एंटी फॉग था, उसे फॉग नहीं जमता था, लेकिन वो मैं कहीं मिसप्लेस कर बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने दूसरा चश्मा लिया है, लोकल ही है, और दूसरी बात है ब्रांडेड तो नहीं मिलने वाला, ब्रांडेड मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो इसमें फॉग बहुत जल्दी जम रहा है, बहुत जल्दी जम रहा है, इसलिए मुझे वाइजर ओपन करके चलना पड़ रहा है। अरे साइड हो जाओ, मस्त है ना,
मेरा इसी का काम है। ये देखो यार स्टार्टिंग टाइम में वाओ क्या नज़ारा है। गाड़ी वाले पास मारते हैं हाई बोलने के लिए बाइकर्स को, तभी नोटिस करना होगा। ओके हाँ मंदिर है वहाँ पे, प्रणाम करते हैं। और वॉर मेमोरियल, अच्छा ओए क्षेत्री वॉर मेमोरियल सल्यूट है सर। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे गड्ढे नहीं है भाई, पानी तो चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गड्ढे नहीं है, गड्ढे इसलिए नहीं है सीमेंटेड टाइल्स लगा रखे हैं एकदम खूब पीट के बजा के। अब यहाँ तो खैर लगाई नहीं रखी, यहाँ तो गड्ढे होंगे। सेकंड चीज़ मैं देखना चाहता हूँ बिस्किट से पैंगोंग का रास्ता इस टाइम पर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो तो मनमोहक व्यू था पर बर्फ नहीं थी और ना ही पानी था। इस बार देखते हो कैसा रास्ता आता है। वो मतलब ये तो सबको पता ही है कि जो लेह है ना, हर मतलब हर मंथ में इसका अलग ही रूप होता है। चलो जो अगस्त सितंबर में आता है उसको अलग लेह देखने को मिलता है, मतलब ये पूरी राइड जो जून में आता है उसको अलग राइड देखने को मिलती है, मतलब अलग ही फील देखने को मिलता है। रास्ता वही है पर सिनेमेटिक सीन्स बोलो वो चेंज हो जाते हैं एकदम। अच्छी बात है कि रोड खुली हुई है और सामने देखो क्या बर्फ सब आए, पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है साइड में और अगस्त तक ये सारा पिघल जाएगा, मतलब इतना बर्फ पिघलेगा तो सोचो। मैं बोल रहा था ना नीचे नदी है, देखो नदी है भाई, ये भी एकदम फ्रीज हो जाती होगी में तो हैवी स्नोफॉल में। वो देख रहे हो पानी ने अपना रास्ता कहाँ से काटा हुआ, वहाँ से उसने टर्न ले लिया और उस किनारे किनारे चला गया होगा पहाड़ के या ग्लेशियर के नीचे नीचे से बह रहा होगा, कि नदी ग्लेशियर के नीचे से बह रही होगी 100%। वो देखो वहाँ पे नीचे हो गई है ना, और जो पीछे जो मैं बता रहा था कि ढका हुआ है बिल्कुल एकदम बर्फ भी पड़ा हुआ है, डेफिनेटली उसके नीचे नदी होगी। अब सोचो जब ये पिघलेगा तो ये रास्ता पूरा कीचड़ में ही रहेगा जब तक ये पिघलता नहीं, और ये इतनी जल्दी पिघलने वाला है नहीं क्योंकि इस बार स्नोफॉल ज़्यादा हुई है, इसलिए एक दो साल के कंपेरिजन में स्नोफॉल ज़्यादा ही हुई है, तभी तो रास्ते लेट ओपन हुए हैं वरना तो हो जाते थे। जबकि इस बार तो रिकॉर्ड था कि उन्होंने मार्च में ही इतना रास्ता खोल दिया था BRO ने कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं और जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो पास हो जाए, हालांकि वो पब्लिक के लिए नहीं था लेकिन सुना है कि मैंने एसेंशियल और आर्मी व्हीकल्स के लिए था, रिकॉर्ड टाइम पे खोला था 26 या 27 मार्च को ही ओपन कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मई में फिर स्नोफॉल होगी तो पब्लिक के लिए और लेट हो गया। मुझे तो डाउट हो रहा था कि यार ट्रिप होगी कैसे, रास्ते तो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन सही है बढ़िया कर दिया एकदम। थैंक यू सो मच फिर रोड खोलने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर राइड पोस्टपोन होती तो फिर तो यार वही होता है, एक बार मूड बना होता है ना भाई साहब तो मूड ही बना रहता है। ओ, 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 ओ।
तो दोस्तों 1000 किलोमीटर लॉक हो चुके हैं, देखो यहाँ पे 3.5 हो गई है। 3.5 का मतलब 1000 किलोमीटर आर डन, क्लॉक कर लिया 1000 किलोमीटर, और 1000 किलोमीटर क्लॉक करते ही वादियाँ देखो, लोकेशन देखो, ख्याल देखो, खूबसूरती देखो इस जगह की, लेकिन साथ साथ रोड भी देखो भाई, है ना, खूबसूरती में बस बहस मत जाना। अब यहाँ पे रोड देखो सही हो गई, अब पता है खराब रोड से मक्खन रोड में आओ ना जब ऐसा स्मूथनेस आता है ना कि वाह, एकदम मस्त स्मूथ हो जाती है। ये अजीब लावा यूर तो आगे मिलेगा, ये रोड मुझे याद है, आगे एक ब्रिज मिलेगा और उसके बगल में बुग्याल है, वहाँ पर हमने फोटो शूट कराई थी, मैंने अभिषेक ने हमने वीडियो भी शूट करी थी, नीचे रोड मिलेगा एक पुल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं बोला ना याद स्ट्राइक होती है माइंड में जब आप उस जगह पहुँचते, ये लोग कहा दिख नहीं रहा, मैंने कहा था ना ब्रिज पड़ेगा, आई टोल्ड यू, तो ये हमारा हम टूरिस्ट की जिम्मेदारी है भाई। हम इन जगहों को साफ रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस जगह को ऐसे एक्सप्लोर करे जैसे हम कर रहे हैं। और ये रहा वो ब्रिज आई टोल्ड यू बिफोर, और ये है वो नदी जो ग्लेशियर के नीचे नीचे से आ रही है, प्रणाम करते हैं नदी को, पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है भाई लोग। 25 किलोमीटर करगिल है 84, लेह है 313, बहुत दूर है भाई, जंस्कर भी यहाँ से है 325 किलोमीटर, मतलब लेह पहले पड़ जाएगा जंस्कर बाद में आएगा, पाटुम दूर है भाई। तो चलो एक इसकी फ़ोटो लेते हैं फिर चलते हैं।